किसी भी संताली को आज के तारीख में अगर 5 मिनट का स्पीच देने के लिए बोला जाए तो उसमें से करीबन 1.5 मिनट की जो लैंग्वेज होगी, जो शब्दावली होगी, जो शब्द होगी, वो अंग्रेजी या हिंदी से लिया हुआ होगा। परिवर्तन तो इसको कहा जा सकता है, रिफॉर्म इसको कहा जा सकता है, लेकिन किसी को विरोध करने की हक नहीं है। तो बच्चों को दिक्कत होती है अपनी भाव को परिप्रकाश करने के लिए संताली भाषा कोश के अंदर से शब्दावली निकालना। शिक्षा एक व्यवसाय हो गई है आज, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस एजुकेशन सेक्टर है। नमस्कार, जोहार, आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं नूरुल इस्लाम, नूर नॉलेज मयूरभंज को। दोस्तों, आज के निम्स, आज के टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है आप सबों के लिए। ये काफी शिक्षणीय है। जो विवाद अभी मुख लिया हुआ है, उस विवाद के अंत वाली एपिसोड आज मैं बना रहा हूं, और इस एपिसोड में जितनी हो सका जानकारी आप लोगों के लिए इकट्ठा किया हूं। 3 पार्ट इसकी है। पहले पार्ट में उन विरोधियों के लिए कुछ बातें हैं, दूसरी पार्ट में उन विरोधियों के जरिए आप समाज के लिए कुछ बातें हैं, अब तीसरी पार्ट इस स्टोरी की रहेगी कि जहां मैं आप सबों को बताऊंगा कि आप लोगों के अंदर प्रभेद क्यों है। आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं इस विवाद की जन्म कहां से होती है। जन्म होती है एजुकेशन एंड लिटरेसी। बड़ी गौर से सुनने की कोशिश कीजिएगा, अंत तक के इस वीडियो को देखिएगा, आपके लिए काफी नॉलेजेबल है। आप तमाम स्टूडेंट के लिए, तमाम पेरेंट्स के लिए, तमाम प्रोफेसर एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहने वाले तमाम लोगों के लिए, और मंत्रालय के, एजुकेशन डिपार्टमेंट के मंत्रालय के लिए भी काफी जानकारी लेके आया हूं। कहां से ये विवाद शुरू होती है? ये विवाद शुरू होती है एजुकेटेड लोगों से, लिटरेट लोगों के अंदर रहने वाली प्रवृत्ति। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं लिटरेसी किसे कहते हैं, स्वाक्षर हम किसको कहेंगे और एजुकेटेड हम किसको कहेंगे। मैं मेरे बारे में बोलना चाहूंगा, आई मे बी ए एजुकेटेड गाय बट आई एम नॉट ए लिटरेट। अजब सा लग रहा है ना, हो सकता है मैं शिक्षित हूं लेकिन निरक्षर हूं। निरक्षर कहने के मतलब यह है कि जिस संप्रदाय से मेरी जन्म हुई है, उस संप्रदाय की जो मातृभाषा है, उस मातृभाषा और मातृभाषा के लिपि को अगर मैं नहीं जानता हूं तो मैं स्वाक्षर में गिनती नहीं हो रहा। मैं अगर सिर्फ आज की दुनियाई जो पढ़ाई है अपनी जॉब के लिए, सोसाइटी में अपने नाम को और चमकाने के लिए जो पढ़ाई पढ़ाया जा रहा है, वो पढ़ाई अगर मैं पढ़ाऊं, अपनी ऐतिहा, अपनी संस्कृति, अपनी परिचय, अपनी पूर्वजों से अगर मैं दूर निकल गया हूं, तब आई मे बी एन एजुकेटेड पर्सनैलिटी बट आई एम नॉट ए लिटरेट। यहां पैदा हो गई है वही वाली बातें। जो लिटरेट नहीं है, मातृभाषा से, मातृलिपि से अपनी भाव की प्रकाश करने के लिए जो सांकेतिक चिन्ह लिपि, लिपि आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, बहुत साहित्यिक हैं जो मुझे देखते हैं, मैं YouTube में बहुत सारी साहित्यिक को देखता हूं, आप लोग भी देखते होंगे, आप लोगों को मालूम है कि जो आवाज, जो ध्वनि मैं आप तक पहुंचाता हूं, ये मेरी भाषा है। अगर मैं इसे लिखता हूं तो ये लिपि है। इससे मैं अगर रोमन लिपि में अगर मैं लिखना चाहता हूं तो ये जानकारी ले लीजिए कि अंग्रेजी जिस लिपि में लिखा जाता है उसे रोमन कहा जाता है। देवनगरी आज तक जितने लिपि के ऊपर डंडा होती है वो सारी देवनगरी है। महाराष्ट्रियों का अपना कोई लिपि नहीं है, वो देवनगरी इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह नेपाल देवनगरी इस्तेमाल करता है, लेकिन देश को एक बेहतरीन राज्य, जंगल भूमि की जो मातृभाषा में ट्रांसलेट किया गया है झारखंड, उसकी मातृभाषा अगर संताली है, मातृभाषा के मैं बोल रहा हूं, राजभाषा के बारे में नहीं जा रहा हूं, गलत मत सोचिएगा और गलत मत समझाइएगा, गलत कमेंट मत दीजिएगा। बिहार से अलग हुए एक राज्य जिसका नाम झारखंड है, जंगल भूमि है,
यहां पर जिन लोगों ने भी ब्रिटिश के खिलाफ में विरोध किया, मोगल के खिलाफ में विरोध किया और राज्य मांगने के लिए आए, तमाम आदिवासियों में सांताली प्रमुख थे, ऐसा माना जाता है। पूर्वतन माननीय मंत्री शिबू सोरेन जी बेहतर जानते हैं कि ये झारखंड राज्य गठन के पीछे जो मूल शर्त थी वो भी भाषा थी, वो भी लिपि थी। गंके गुरुजी की पुत्र सुपुत्र, गुरुजी की सुपुत्र आज झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं। गुरुजी के सुपुत्र को यह बेहतर मालूम है कि झारखंड राज्य की आइडेंटिटी सांताली भाषा हो या ना हो, लेकिन अलची की लिपि तो है। अब आइए देवनागरी और रोमन। जो विरोधियों का कहना है, आप लोग जिन्हें विरोधी कहते हैं, मैं उन विरोधियों को कुछ अलग नजर में आज देखने की कोशिश कर रहा हूं। लिटरेट एंड एजुकेटेड, जिन बच्चों ने अपनी मातृभाषा को छोड़कर एजुकेशन शुरू किया है, हमारे उड़ीसा में भी, बंगाल में भी, महाराष्ट्र में भी, और भारतवर्ष की यही तो खूबसूरती है कि हम तमाम भाषाओं को जानते हैं और अपनी राज्य की एक मातृभाषा, एक राजभाषा है, और जिस जगह में हम पैदा हुए हैं माँ की भाषा जो है वो मातृभाषा है। जैसे कि उड़ीसा में पकड़ लीजिए, कुछ बच्चे पहले से नर्सरी में एडमिशन हुए और उन्हें ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल ये पढ़ाया गया। उन बच्चे ने लिटरेसी से दूर है अ आ ई ई उड़िया के बारे में बोला। फिर जो उत्तर भारत है जहां हिंदी भाषा बहुल, उनमें से बिहार है, बिहार में से ये सांताल पारगना है, और झारखंड राज्य गठन होने से पहले ये जितने थे अपनी मातृभाषा सांताली होने पर भी राजभाषा से पढ़ाई शुरू किए, देवनागरी लिपि से। अब झारखंड बनने के बाद अभी तक जो राजभाषा है, उस राजभाषा की परिवर्तन, परिवर्तन कुछ भी हो जाता है, रातों रात हो जाता है, रात 8 बजता है तो घोषणा होता है, रात 12 बजे दुनिया बंद कर दी जाती है, रात 8 बजे घोषणा होता है और रात की 12 बजते बजते नोट तब्दील हो जाता है, जो मोगल गार्डन था सुबह होते होते अमृत गार्डन हो जाता है, जो इलाहाबाद था वो सुबह होते होते प्रयागराज हो जाता है। तो ज्यादा वक्त पॉलिटिकल लोगों को नहीं लगेगा कि सांताल पारगना को एक नया नाम देने में, लेकिन ये नामुमकिन है कि किसी लिपि की नाम को कोई परिवर्तन कर पाए। देवनागरी लिपि के बारे में बस मैं इतनी आपको बता देता हूं कि ये काफी रिफॉर्म हुआ है। महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित खबर कागज में भी इस देवनागरी भाषा की मात्रा की परिवर्तन किया गया है, रिफॉर्म किया गया है। अलची की लिपि अब 100 साल पूरा होने जा रहा है, 1925 से 2026, इसके अंदर इस 100 साल के अंदर लिपि में अगर किसी भी तरह का कोई रिफॉर्म कोई चाहता है तो उसकी जो ज्ञानी गुणी हैं, जो गवेषक हैं, ध्वनि के गवेषक हैं, जो भाषा को उसकी प्रोनाउंसिएशन की तरह व्यक्त करने के लिए लिपि के जो सहयोग है उसके लिए अगर रिफॉर्म की कोई जरूरत होता है तो उसके लिए भाषा कमेटी, लिपि कमेटी और साइंटिफिक वे में इसकी रिफॉर्म किया जा सकता है, ना कि विरोध किया जा सकता है। देवनागरी लिपि संस्कृत के जमाने में अलग थी, जब ब्रह्म और नगरी ये सन 5000 साल नीचे की बात है जब से ये रिफॉर्म होते होते गांधी जी तक आई थी। परिवर्तन तो इसको कहा जा सकता है, रिफॉर्म इसको कहा जा सकता है, लेकिन किसी को विरोध करने की हक नहीं है। अगर रिफॉर्म चाहते हैं इसलिए चाहते हैं कि आप रोमन से हम आते हैं, रोमन जिसमें अंग्रेजी लिखा गया है, अगर आपकी पढ़ाई अंग्रेजी से शुरू हुई है और अपनी भाव को व्यक्त करने के लिए आप में अंग्रेजी की अभ्यास हो गई है, सांताली भी जब कोई भी कहता है, मैं यूट्यूबरों को भी देखा हूं, जिन लोग रोस्टिंग करते हैं उनको भी देखा हूं, और अच्छे अच्छे प्रोफेसरों को देखा हूं जिनको मोदी जी ने भी काफी तारीफ किए हैं मन के बात में, मैं उनको भी सुना हूं, उनकी
किसी भी सांताली को आज के तारीख में अगर 5 मिनट का स्पीच देने के लिए बोला जाए तो उसमें से करीबन 1.5 मिनट की जो लैंग्वेज होगी, जो शब्दावली होगी, जो शब्द होगी, वो अंग्रेजी या हिंदी से लिया हुआ होगा। अब जिम्मेवारी उनकी बनती है, गुरुजनों की बनती है कि उन्होंने सांताली की शब्दकोश बनाए हैं अगर वो प्रकाशित नहीं है, बहुल व्यवहार नहीं है, तो बच्चों को दिक्कत होती है अपनी भाव को परिप्रकाश करने के लिए सांताली भाषा कोश के अंदर से शब्दावली निकालना। देखिए ओलचिकी बहुत ही खूबसूरत साइंटिफिक स्क्रिप्ट है। पहले बोला जाता था देवनागरी सबसे बेहतरीन साइंटिफिक स्क्रिप्ट है, लिपि है, लेकिन उसके बाद मान्यता पाने वाला ये ओलचिकी काफी साइंटिफिक है, जहां कोई मात्रा की प्रयोग नहीं होती है, जहां कोई वाउएल नहीं है, सारी अक्षरों को लेते हुए बड़ी आसानी है किसी को भी समझने के लिए। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं इस ओलचिकी को समझकर, इसे सीखकर एक न्यूज़पेपर चलाया करता था जो साउंटा बेउरा, जो मान्यता प्राप्त था आरएनआई से, अभी कुछ कारणों के लिए न्यूज़पेपर बंद है। मैं उसका एडिटोरियल संभाल लेता था, क्योंकि जंगल भूमि में ही हम पैदा हुए हैं। मेरे भी हिंदी कहते हुए मैंने भी बहुत सारी अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करता हूं, इसे आप रिफॉर्म कह सकते हैं। मेरी हिंदी की उच्चारण सही नहीं है, इसे भी रिफॉर्म कह सकते हैं, लेकिन मेरी दिल की आवाज ध्वनि के जरिए आपकी दिल तक पहुंच पा रही है, इसीलिए मुझे आप लोग देख रहे हैं और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। मैं देवनागरी और रोमन लिपि के बारे में कुछ बातें कहता हूं, कुछ ना कहते हुए भी आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। शिक्षा एक व्यवसाय हो गई है, आज सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस एजुकेशन सेक्टर है। इस एजुकेशन सेक्टर में अंग्रेजी की प्रभाव बहुत ज्यादा है। इस अंग्रेजी के प्रभाव के लिए शायद हो सकता है कुछ शिक्षा माफिया, कुछ इनोसेंट स्टूडेंटों की ब्रेन वॉश किए होंगे, जिसमें उनकी दुकान चलाना जरूरी है। कुछ बातें कहा जाता है, कुछ बातें नहीं कहकर भी समझाया जाता है। रोमन अंग्रेजी लिपि है और देवनागरी शिक्षा माफियाओं के लिए एक बेहतरीन रास्ता है। ओलचिकी सांतालों और खेरवालों की परिचय है। अगर आप अपनी परिचय को बचाना चाहते हैं तो फिर ओलचिकी को बचाइए। जोहार।